लगभग कितनी मछली पकड़ते हो आप? कल उधर बोट के पास 40 पकड़ा था। 40? अच्छा, और इधर पर? तो मैं अभी हूँ उडुपी के सी वॉक पे, इट इज द एंड पॉइंट, और हर जगह पर समुद्र ही समुद्र है, और इधर कितने सारे तो केकड़े हैं, सो मैनी क्रैब्स आ रही है, हर एक पत्थर पे उधर क्रैब आएगा, केकड़ा मनी क्रैब्स आ जाए देर देर एवरीवेयर ऑन एवरी रॉक देर इज क्रैब्स। उधर भी आइलैंड है, वो भी एक आइलैंड है। डेट्स मालवे बीच। इधर ये कौन है, चलो देखते हैं। चारे में क्या डालोगे आप ऐसे? तो गाइस मछली पकड़ेंगे आज। आई डोंट ईट व्हाट। सबसे पहले एक छोटी मछली होती है, प्रॉन्स बोलते हैं, वो चाड़े की तरह ट्रीट की जाती है, तो उसे ना बांधते हैं ऐसे दांत में, देख भी सकते हो कि देखो कैसे हो गए, तो उसमें लगा रहे हैं और फिर उसके बाद देखना। ये चाड़ा लगता है कुछ हो गए दिक्कत, तो वापस वो खींच रहे हैं देखो, और फिर क्या कहते हैं शायद फिर से लगाएंगे, फिर से फेंकेंगे, देखते हैं मजे आएंगे, सीखेंगे कुछ। तो इन अंकल की फिशिंग देख के ना एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार फिशिंग करते समय यार पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ना सब्र होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कभी अभी देखना आ गया कि क्या होगा, कि कभी मछली चली जाएगी, चारा चला जाएगा, मजे आएंगे देखने में। तो बस फिर ये फेंक के बैठो आराम से और थोड़ा सा इंतज़ार करो। लगभग कितनी मछली पकड़ते हो आप? कल उधर बोट के पास 40 पकड़ा था। 40? अच्छा, और इधर पर? इधर अभी इतना नहीं है, अभी पानी आना चाहिए। अच्छा, अभी पानी उतर रहा है। ओके, उल्टा है अभी। तो अब देख सकते हो यार इधर पर ये बैठे हैं और बस इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी इंतज़ार करना फल अच्छा भी होगा। उधर जल्दी आती होंगी बोट के पास ना, जल्दी जल्दी पकड़ते होगे उधर बोट के पास। अचानक से इनके डोरी में थोड़ा सा खिंचाव सा दिखता है, पता चलता है आगे क्या मिलेगा। और अब ये खींचते हैं, लेकिन देखो अब क्या होगा। कुछ आने वाला है क्या? हुआ, खा के चली गई वो? अरे आके चली गई दोस्तों, मछली उससे आ निकली। तो फिर अंकल ने फिर से चारा वगैरह ये लगा रहे हैं और अब वापस से फेंकने की बारी है, देखते हैं अब इस बार क्या होता है यार। विल डू इट अगेन। अब आएगी, दिखाएंगे आपको। तो अभी क्या कहते आती होगी, वरना थोड़ा लेट किया तो खा के निकल जाएगी। अंकल अब जिस पोजीशन में बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ अब कुछ मिल सकता है, कुछ मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ना टाइट हो रही है उनकी डोर, देखते हैं क्या निकलता है। ओए ओए, कुछ आया, खींच रहे हैं, देखते हैं। ओह, आ गई देखो मछली। या मछली पकड़ ली। सो इस तरीके से ना ये उसके मुंह से निकाल के रख लेते हैं। पूरे इंसिडेंट से मुझे लेसन मिलता है कि यार छोटे से खाने के चक्कर में तुम खुद ही खाना बन सकते हो। तो छोटे से खाना के लिए खुद खाना बन सकते हो।
हेलो दोस्तों, अभी मैं रेडियो के शाम का टाइम हो रहा है और अब मैं जा रहा हूँ इधर डेल्टा पॉइंट है, बहुत प्यारी रोड है, मैंने उधर सुना है, तो साइकिलिंग करने और देखते हैं कैसा क्या नज़ारा है। तो चलो सीट बेल्ट लगा के चलते हैं। तो इतनी प्यारी प्यारी रोडों पे साइकिल चलाने में, जहाँ हर तरफ ग्रीनरी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छी हवा चलती है, इट फील्स गुड सी बाहर सो मच। ये इधर का डेल्टा बीच पॉइंट है और बहुत अच्छा लगा, कितना साफ सुंदर सा है। मैं दोस्तों आपको ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां पर हम एक बीच रोड में चलेंगे, साइकिल चलाएंगे और इस साइड भी समुद्र है और सनसेट हम देखेंगे। कमाल का व्यू होने वाला है, कमाल का। सनसेट हो गया है, फिर मैंने इधर पर बैठे सोचा यार कि क्या समंदर है, क्या बीच है, क्या मस्त मस्त जगह है दुनिया में देखने को, और बैठ के एनालाइज किया खुद को कि यार कैसे और मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी बस होता है यार, हर लड़के के साथ होता है कि थोड़ा सा ना बैठ के अकेले वो सोचता रहता है, तो मैं भी वही हूँ। और बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ज़्यादा कुछ था नहीं वीडियो में, बट थोड़ा बहुत बताना था। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।